बढ़ते हैं। हरीश रावत ने ऋषभ पंत की गाड़ी के एक्शन पर बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हरीश रावत का कहना यह है कि जिस तरह से सड़क पर गड्ढा होने से इतने बड़े हादसे की बात सामने आ रही है, इसमें सरकार की बड़ी लापरवाही है। ये गंभीर बात है, हमने अपने लापरवाही सड़कों में गड्ढों के कारण जो है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट खिलाड़ी जिसने यहाँ जन्म लिया उनको करीब करीब खो दिया। भगवान ने चाह अगले 6 महीने बाद वो फिर 54 छक्के लगा रहे होंगे और भारत की मान को ऊंचा कर रहे होंगे, लेकिन गड्ढे के कारण ये बात सामने आई है। और राज्य के अंदर जिस तरीके से गड्ढा कल्चर 1-2 साल से हम देख रहे हैं भाजपा के राज्य में, सड़कों को हमारी बनाई हुई टकाटक सड़कों को उन्होंने चमाचम सड़कों को गड्ढों में बदल दिया। और इस वक्त हमारे साथ रामानुज ज्यादा जानकारी के साथ बने हुए हैं। रामानुज, जब ये बड़ा मुद्दा, ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं, आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बन गया है और पॉलिटिकल एंगल से इसे काफी हवा भी मिलेगी, जैसा कि अब कहा गया ऋषभ पंत की तरफ से भी बात सामने आई कि गड्ढे की वजह से उनका एक्सीडेंट हुआ है। शिल्पा, आपके सवाल का जवाब दें, उसके पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो इसमें कहा वो भी बता देते हैं कि जब अभी सवाल पूछा था तो उन्होंने इशारों में इतना जरूर कहा कि चूंकि गड्ढे को लेकर के और जो घटना हुई उसको लेकर के निशाना साधा जा रहा है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के फिलहाल सवालों का जवाब इशारों में जरूर दे दिया है। उनका कहना है, यानी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, कि कोशिश ये है कि ऋषभ पंत का सेहत अच्छी हो, जल्दी से स्वस्थ हो, ना कि इस पर किसी तरह की सियासत हो। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जिस तरह से ये कहा कि उनके दौर में चमचमाती सड़कें थी और बेहतर सड़कें थी और गड्ढा की कल्चर आ गई है, तो सरकार ने उसका जवाब दिया है। लेकिन अब जो घटनाक्रम हुआ था यानी सड़क हादसे का, उसको लेकर प्रदेश सरकार जिस तरह की रिपोर्ट आई है उसको भी एनालिसिस कर रही है कि आखिर क्या क्या स्थिति थी। और मुख्यमंत्री ने कहा कि गड्ढे के जैसा या काली कोई चीज दिखाई दी थी जिससे वो बचने की कोशिश किए थे, तो ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पूरी तस्वीर आएगी कि आखिर में क्या वजह थी, तो ये बात साफ हो जाएगी। लेकिन इतना कह सकते हैं कि अब जिस तरह मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सवाल उठाया है कि उनके दौर में चमचमाती सड़कें थी, तो क्या वाकई अब गड्ढों में अब सड़कें जो है तब्दील हो गई हैं, ये इसका जवाब तो फिलहाल अब सरकार को देना है। जी बिल्कुल। लेकिन रामानुज, ये एक बड़ा मुद्दा है, जिस तरीके से घटनाएं होती हैं कहीं ना कहीं ये स्थितियां भी रहती हैं कि सड़कों पर गड्ढे होते हैं और उससे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। सरकार ने भले ही अभी इसको लेकर कुछ साफ तरीके से नहीं कहा है, लेकिन इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। ये राजनीति से हटकर भी एक महत्वपूर्ण बात है। शिल्पा, इसके पहले घटनाक्रम को देखें, हरिद्वार की पुलिस ने यह कहा था कि ऋषभ पंत को झपकी आई थी। इसके बाद में डीडीसीए के जो चेयरपर्सन आए थे उन्होंने कहा था कि नहीं, गड्ढे की बात सामने आई थी। फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गड्ढा या गड्ढे के जैसे कोई काली चीज आई थी, और इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गड्ढे की बात की। ये 4 इसके फैक्टर्स हैं, अलग अलग जो बयान सामने आए थे। और जहां तक आपका सवाल है, बिल्कुल, चाहे वो सड़कों में गड्ढे हैं या इसकी वजह से या ब्रेकर की वजह से या फिर कोई नैरो रोड होने की वजह से अगर इस तरह से कोई एक्सीडेंट आता है, तो सरकार इसके लिए पहले से भी चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी भी गठित है और जो बराबर मॉनिटरिंग करती है कि अगर कहीं भी डेंजर स्पॉट्स हैं, ब्लैक स्पॉट्स हैं, उसको सही किया जाए। तो जो घटनाक्रम फिलहाल क्रिकेटर ऋषभ पंत के एक्सीडेंट के बाद सामने आई है, उसको लेकर के अब देखना यही कि सरकार वाकई इस पूरे मामले में किस तरह की जांच कराती है, क्या कोई इसकी हाई लेवल की जांच होती है, या चूंकि ये एनएच से जुड़ा मसला है, एनएच की वो सड़क है, रोड था, और उसमें अगर गड्ढे थे तो उसकी जिम्मेदारी किसकी तय होगी, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, मेंटेनेंस की एजेंसी की होगी। फिलहाल मुख्यमंत्री ने आज जो इशारों में कहा और जो उन्होंने इस बात को कहा है कि आखिर में सियासत या बात इस पर नहीं होनी चाहिए कि घटनाक्रम क्या हुआ है, किस तरह के इंसिडेंट्स हुआ है, बात इस पे होनी चाहिए कि ऋषभ पंत का सेहत कितनी जल्दी से बेहतर हो सकती है और वो स्वस्थ कितनी जल्दी हो सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये जांच के बाद तस्वीर साफ होगी कि वाकई एनएच में क्या स्थिति।
बिल्कुल रामानुज, मैं वापस आपके पास लौटूंगी और कुछ और जानकारी भी आपसे अभी लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।